بختون. पख्तूनों में पहला मुसलमान सुल्तान कैस अब्दुल रशीद बड़ी शान व शौकत वाला गुजरा है। उसके तीन बेटे थे, सरबंद और गोश्त और पठानी। इनके अखलाफ में खालिद बिन वलीद बिन अकरमा का नाम आया है। अफगान की कुछ औलाद मक्का में और अफगानिस्तान में आकर आबाद। दरअसल अफगान और पख्तून का रिश्ता और शजरा 50,000 साल पुराना है। 11वीं हिजरी में सरवर कौनैन इमामुल मुर्सलीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुजुर्ग सहाबी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बिरादरी के अफगान सुल्तान कैस को मदीने से दावत इस्लाम का पैगाम भेजा। मदीना जाकर कैस सुल्तान बमाए 72 पख्तून हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनफ्से नफीस मिले और पैगम्बर इस्लाम के दस्ते मुबारक पर बिलवास्ता सब 72 पख्तून मुसलमान हुए। इस्लाम कबूल करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुल्तान कैस का नाम अब्दुल रशीद रखा।